हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब कर लिया करो अगर आप लोग नए आए हो। एंड बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले अपने लवप्रीत सिंह भाई के बारे में। तो लवप्रीत सिंह भाई की साइड से अब कंटिन्यूसली अपडेट पे अपडेट आते जा रहे हैं। तो फिलहाल में उन्होंने एक और अपडेट शेयर किया है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो फिलहाल में अपने लवप्रीत सिंह भाई का जो फ्रेम है वो कितना ज़्यादा प्यारा फ्रेम लग रहा है। एंड डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा पहले के मुकाबले साइज गेन कर लिए हैं। एंड अभी जो उनकी बॉडी है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फुलनेस कैरी करते जा रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइज आप लोग साइज देख सकते हो, डेफिनेटली उनका साइज इस बार बड़ा है। एंड ऑल्सो चेस्ट का भी साइज उन्होंने अभी गेन कर लिया है। तो लेट्स सी गाइस, इस बार का जो पैकेज रहेगा, कंप्लीट पैकेज उनका कैसा रहता है, क्योंकि ताइवान प्रोजो के अंदर जो ही गाइस उन्होंने होप जगाई है, लिटरली मेरे को लगता है इस बार कि वो अपना मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोग क्या लगता है कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले अपने हरविंदर भाई के बारे में। तो हरविंदर भाई की साइड से एक बहुत ही शॉक्ड एंड हिलेरियस अपडेट शेयर किया जाता है। फिलहाल में एक अपडेट ये शेयर करते हैं अपने हरविंदर भाई, जो कि आप लोग देख सकते हो लिटरली उनकी जो चेस्ट है कितनी ज़्यादा फुलनेस अभी कैरी कर रही है। उनके शोल्डर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहे हैं। एंड यहाँ पे उनके एप्स कितने ज़्यादा क्रंची लग रहे हैं। एंड ऑल्सो इसका अपडेट का कैप्शन वो देते हैं, पीक भी एक कंडीशन। अब गाइस मैं ये तो नहीं कह सकते ये उनका करंट या रिसेंट का ही अपडेट है, बट गाइस इतना तो कंफर्म ये है कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उनका रिसेंट का अपडेट हो सकता है, क्योंकि वो जब भी किसी शो को कॉम्पीट करते हैं तब वो 4 से 5 वीक्स पहले ही वो पीक वीक वाली कंडीशन ले आते हैं। एंड अभी वो दिल्ली प्रो शो कॉम्पीट करने वाले हैं। सो लेट्स सी गाइस, ये जो इस बार का पैकेज रहेगा रविंद्र भाई का वो कैसा रहता है। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं दिल्ली प्रो शो के अंदर कॉम्पीट करने वाले एक और एथलीट की तरफ, जो कि होने वाले अपने वर्धन मल्होत्रा भाई। तो वर्धन भाई उनकी भी साइड से आप लोग को दोबारा से फिजिक अपडेट शेयर करने को मिलता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोग उनका जो साइज है फिलहाल में जो कैरी कर रहे हैं उस पर फोकस करो, कि पहले के मुकाबले उनका जो साइज है बॉडी का वो और भी ज्यादा गेन हो चुका है। उनकी चेस्ट देख सकते हो कितनी ज्यादा पॉप अप एंड ओभर के आ रही है, जिससे कि गाइस उनके जो शोल्डर जो वेस्ट रेशियो है वो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड ऑल्सो इनका एब्डोमेन वो कितना ज्यादा क्रंची लग रहा है। एंड वो भी इस अपडेट को कैप्शन देते हैं, फाइनल अपडेट, लेट्स मोर डीप डाइविंग, आई नो देयर आई कैन फाइंड सम क्लिप्स। तो यहाँ पे गाइस उनका जो साइज है वो तो आप लोगों ने नोटिस कर लिया, एंड कैप्शन में वो सारा कुछ आप लोग को उनके इस बार के शो के माइंडसेट के बारे में बता देते हैं। एंड उनके फिजिक का भी ट्रेलर, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार साइज तो है ही है, लेकिन कंडीशनिंग के मामले में वो कहीं से भी कहीं तक पीछे नहीं हटने वाले। तो डेफिनेटली इस बार काफ़ी अमेजिंग पैकेज आ सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डियॉन्ड के बारे में। तो गाइस उनकी भी साइड से उनका जो प्रेजेंट टाइम का बल्क का करंट अपडेट है वो गाइस आउट करते हैं। फिलहाल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डियॉन्ड कैसे लग रहे हैं अपने बल्क अपडेट के साथ में। यहाँ पे वो हम लोग को कैप्शन के अंदर बताते हैं कि इस बार जो उनके प्रायोरिटी रहेगी वो उनकी जो फिजिक है उसको बैलेंस करने को लेके होगी, क्योंकि जब आप लोग देखते हो डियॉन्ड ऑन स्टेज आते हैं तो उनकी जो अपर बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है उनकी लोअर बॉडी को, यानी कि उनके जो क्वाड्स मसल का जो साइज़ है वो काफ़ी कम रह जाता है उनकी अपर बॉडी से, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं करता। एंड एक एक्स फैक्टर क्लियरली आप लोग को विजिबल या फिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे वो उस बैलेंस फिजिक की बात करते हैं। बैक का अपडेट देखो, यहाँ पे पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिसेंट उनकी जो बैक है, जो कि एक बल्क अपडेट के साथ में बल्किंग फेज में देखने को मिलती है, वो यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी गाइस, अभी तो आईएफबीबी ने भी नेचुरल शो अनाउंस कर दिए हैं, क्या उसमें वो कॉम्पीट करते नजर आते हैं, क्या लगता है एनएनपीसी की नेचुरल शो कुछ इंडिया में देखने को आप लोग को मिलेंगे। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले रोहित खत्री भाई के बारे में। अरे अरे एडिटर भाई, ऐसे क्लिप नहीं। एडिटर भाई क्या कर रहे हैं यार तू, तो मजाक है क्या? हाँ ये क्लिप तब भी ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रोहित खत्री भाई के बारे में। तो गाइस उनकी साइड से उनकी करंट फिजिक अपडेट वो रिवील करते हैं, एंड ऑल्सो उनके अपकमिंग प्लान्स के बारे में भी बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि फिलहाल में अपने जो रोहित खत्री भाई हैं वो कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे उनका बल्क अपडेट आप लोग को देखने को मिलता है, अपने बल्किंग फेज को करते हुए अपने रोहित खत्री भाई नज़र आते हैं।
एंड यहाँ पे आप लोग को साइज इंक्रीज करते हुए वो नज़र आएंगे, चाहे उनके फ्रंट बॉडी का हो, चाहे आप लोग चेस्ट मसल ले लो, एंड आप लोग को उनके जो शोल्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी अच्छे लग रहे हैं, जो कि राउंड शेप में आप लोग को देखने को मिले हैं। बैक से तो कुछ ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट अभी रोहित खत्री भाई की साइड से देखने को नहीं मिली, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो उनके कंप्लीट अपडेट है उससे हम लोग को देखने को मिलेगा कितना वो अब तक इम्प्रूव्ड कर पाए हैं इन एक साल के अंदर। क्योंकि गाइस रिसेंट में वो हम लोग को बताते हैं कि इस बार को जो सेरू क्लासिक है जो आप लोग को जून में होगा वो कॉम्पीट नहीं करेंगे, आई थिंक सो एंड ऑफ द ईयर इस साल के में कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ रिगार्डिंग। एंड सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हादी चुपन के बारे में। तो हादी चुपन ने भी गाइस अपना प्रेजेंट टाइम का अपडेट शेयर किया है, हालांकि कंप्लीट अपडेट तो वो शेयर नहीं करने वाले, बट उन्होंने कुछ ट्रीजर जो है वो शेयर करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो आफ्टर अनो क्लासिक एंड अनो क्लासिक यूके अपने हादी चुपन जो है वो गाइस कैसे लग रहे हैं, एंड लिटरली एक मंथ के बाद भी जो उनका जो कंडीशनिंग वाली बॉडी है वो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई, जबकि जब अभी वो लीन मास गेन के लिए भी आई थिंक सो जाने गए होंगे। एंड यहाँ पे जो उनके लाइंस हैं उनके क्वाड्स मसल में आप लोग देख सकते हो कितनी इजीली विजिबल है, साथ साथ आप लोग उनके काफ्स मसल देख सकते हो जो कि साइज आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा पहले के मुकाबले। एंड यहाँ पे भी जो लाइंस हैं आप लोग वो भी देख सकते हो काफ्स मसल में, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि इतनी अच्छी सेपरेशन क्वाड्स मसल के अंदर वो भी ऑफ सीजन में, वो काफ़ी एक अलग ही अपडेट की तरफ ले जाता है हादी चुपन की इस अपडेट को। एंड यहाँ पे जब उनकी क्वाड्स मसल दिखती हैं एंड जब वो अपने क्वाड्स की साइड दिखाते हैं तो लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस हो जाता है, क्योंकि ये जो क्वाड्स हैं वो ऑन स्टेज लाइक रहती हैं। एंड यहाँ पे मोस्टली आप लोग को कमी देखने को मिलता होगा कि ऑफ सीजन के अंदर एक एथलीट की एंड एक ओपन बॉडी बिल्डर एथलीट की ऐसी प्यारी सेपरेशन क्वाड्स मसल आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली ये हम लोग को बताता है कि इस ईयर हादी चुपन को जो माइंडसेट है वो क्या रहने वाला है। एंड इस बार तो गाइज जो अदर एथलीट है जो कि आने वाले जैसे बिग रैमिर हो गए एंड और भी जो एथलीट हैं जो कि अपना कमबैक करेंगे, हालांकि उनसे उतना कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा हादी चुपन को, उनका तो एक क्लियर कट जो विज़न है वो रहेगा डेरिक लंसफर्ड को हराना एंड अपने टाइटल को दोबारा से अचीव करना। सो लेट्स सी, एंड फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक एंड सैड न्यूज़ निकल के आ रही है। एंड न्यूज़ ये है कि मार्कोस लुइस मॉन्स्ट्रो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ गाइस, वो काफ़ी अमेजिंग एथलीट एंड एक काफ़ी अच्छे कोच भी रहे थे, लेकिन फिलहाल में कल के दिन उनकी डेथ हो गई। अभी ये तो गाइस कंफर्म नहीं हुआ कि जो उनकी डेथ का रीज़न है वो क्या रहा था, हालांकि अब गाइस मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको स्टेरॉइड वगैरह उन सारी चीज़ों से मत लेना जब तक कुछ कन्फर्म नहीं हो जाता। तो मैं तो ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड भगवान गाइस उनकी आत्मा को शांति दे एंड उनकी फैमिली को इतने बड़े लॉस सहने की क्षमता दे। तो गाइस आज की इस वीडियो तो इतनी अपडेट्स थे, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय गाइस एंड टेक केयर ऑल।